आखिर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की क्या थी मजबूरी जो कांग्रेस की बैठक से उनकी रही दूरी, ये सवाल अब राजधानी भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के गलियारों में सुनाई दे रहा है। कांग्रेस की बैठक से दूर रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की गैर हाजिरी पर देखिए भोपाल से एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ कांग्रेस की बैठक से रहे दूर, भोपाल में पीसीसी दफ्तर में चलती रही चर्चा। कमलनाथ ने वर्चुअल जुड़कर दर्ज कराई उपस्थिति। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी भोपाल में कांग्रेस के सभी विधायकों और बड़े नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। पीसीसी दफ्तर इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहुंचने का इंतजार चल रहा था, तो वहीं छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ के भी राजधानी भोपाल पहुंचने की संभावनाएं थी। लेकिन बैठक शुरू होते ही जब कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं पहुंचे तो तमाम नेताओं के पसीने छूट गए। ऐसे में बेंगलुरु पहुंचे कमलनाथ के बैठक में वर्चुअल जुड़ने की खबर तमाम नेताओं के लिए राहत लेकर आई। इस बैठक में प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की गैर हाजिरी को लेकर भी चर्चाएं चलती रही। बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस की मजबूत रणनीति का दावा किया, तो वहीं मीडिया में उठ रहे तमाम सवालों पर भी अपनी बेबाकी दिखाई। और कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है, तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वो मसाला ढूंढे। मेरा आखिरी पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई जो बहुत गंभीर है मध्य प्रदेश के किसानों की। एक तरफ देश में किसान आंदोलित है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी मोदी जी ने उसमें वो झूठ बोल गए, मुकर गए। उन्होंने गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोली थी जब 14 के चुनाव हुए, फिर जब आंदोलन हुआ अभी थोड़ा 3 साल पहले तब भी बोला था, जब उन्होंने 3 काले कानून लाए और काले कानून वापस लेने पर फिर उन्होंने बोला था, तो दोनों बार उन्होंने जो झूठ बोला उसके लिए देश के आम किसान की भावना को कांग्रेस पार्टी ने समझा और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अब कांग्रेस पार्टी दे। राहुल गांधी जी जब आएंगे तो उसको लेकर किसानों से संवाद करेंगे, बातें करेंगे। और जो गेहूं का दाम 3100 रुपए का, धान का दाम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देगी, ये एक महत्वपूर्ण बात पूरी यात्रा का मूल सार है। धन्यवाद। कुल मिलाकर कांग्रेस के गलियारों में चल रही अंदरूनी उठापटक फिलहाल खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कमलनाथ के तेवर जरूर ठंडे पड़े हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा के दौर में किस तरह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सियासी एपिसोड से उभर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।